हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, आपने पिछली वीडियो में लिटरली क्या ही रिस्पॉन्स दिखाया है। मैंने उसमें 50 लाइक का आपको टारगेट एम दिया था और आपने उसमें एक दिन के अंदर वो पूरे कंप्लीट कर दिया था। तो थैंक यू सो मच यार आप सभी को जिन्होंने भी लाइक किया वीडियो को, और जिन्होंने नहीं देखी यार वीडियो, आप पिछली वीडियो को एक बार देख सकते हो। और उसमें मतलब बहुत से कॉमेंट भी आ रहे थे कि भाई सेटिंग बहुत ही मजेदार है, और गाइस लिटरली बहुत ही तगड़ी सेटिंग थी वो, वन टैप के लिए बहुत अमेजिंग सेटिंग है वो। आप अगर आपने उसको ट्राई नहीं किया तो आप उसको एक बार जरूर से ट्राई कर लेना। और गाइस यार इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं आपको कुछ बात कहना चाहूंगा। अभी यहाँ पर मैं सीधे नाम नहीं लूंगा डायरेक्टली, तो यहाँ पर एक यूट्यूबर है, पीसी टिप्स एंड ट्रिक्स डालता है वो भी, ठीक है। उसके यहाँ पर 30-40 आई थिंक सब्सक्राइबर है, और यार जो मैं अभी यहाँ पर मैं कॉन्टेंट डाल रहा हूँ सब्सक्राइबर की सेटिंग का, तो वो गाइस पूरा यहाँ पर मेरा कॉपी कर रहा है। मतलब अब कॉपी तो मतलब वॉइस ओवर तो ऑफकोर्स उसका है, गेम प्ले उसका है, बट यार उसने मेरा जो मैं सब्सक्राइबर की सेटिंग यूज करता हूँ ये पीसी के कॉन्टेंट में सबसे डिफरेंट मैंने अभी ट्राई किया था। बट गाइस वो बंदा यहाँ पर मेरा पूरा कॉपी कर रहा है, जैसे मैं आपकी सेटिंग को ट्राई करता हूँ, आप लोग अपनी सेटिंग मुझको कॉपी करके मतलब कमेंट करते हो मेरी वीडियोस में, तो उसी तरह यार वो भी अपनी वीडियोस में इस तरह कर रहा है और यार पूरा कॉपी कर रहा है। तो भाई यार ये थोड़ा सा भाई उसके 30-40 के सब्सक्राइबर, वो चाहे तो अपना एक अलग कंटेंट डाल सकता था, बट यार पूरा कॉपी कर रहा है वो मेरे को, 3K सब्सक्राइबर है मेरे लिटरली। भाई इतने बुरे दिन आ गए उस बंदे के, तो यार मैं इंडायरेक्टली मैं भी वो नहीं कहूँगा, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, तो खाली फिर एकदम गलत हेट पहुंचेगा मेरे को भी, और इसलिए क्योंकि अभी मेरा उतना सब्सक्राइबर बेस उतना अच्छा नहीं है, आप लोग उतना सपोर्ट नहीं करोगे, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। बट आप लोग समझ जाना, जो लोग भी देखते हो पीसी टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस, आप लोग समझ गए होंगे। और छोड़ो गाइस इस बात को। सो गाइस इस वीडियो में ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पर UX रैकिंग करके एक सब्सक्राइबर है भाई के, आई थिंक यार आई होप यहाँ पर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ भाई को। तो यहाँ पर UX रैकिंग करके एक भाई है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सेटिंग कमेंट की हुई है। सेटिंग तो गाइस नॉर्मल है, सेटिंग बहुत मतलब नॉर्मल ही है, बट यार गाइस इस वीडियो में इस सेटिंग में जो सबसे यूनिक लगा मेरे को वो था गाइस इसकी ट्विक्स। लिटरली गाइस बहुत ही डिफरेंट ट्विक्स है यार, अलग ही ट्विक्स है ब्लूस्टिक 4 में, ये बहुत अलग ट्विक्स आई हुई है। सो इस वीडियो में इसको ट्राई करने वाला हूँ, तो बहुत मजा आया वीडियो गाइस, एंड तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ब्लूस्टेक 4 की स्क्रीन पे, तो भाई ने सबसे पहले सेंसिटिविटी वगैरह जो दी है, सेंसिटिविटी गाइज यहाँ पर सब कुछ ऑल 0 पे बताया हुआ है भाई ने यहाँ पर, ठीक है, ऑल 0 रखने को बोला हुआ है, तो यहाँ पर सारी मैंने यहाँ पर 0 कर दी है। और जो यहाँ पर गाइज कस्टम मोड में उतना कुछ नहीं है, सीधे आपको की मैपिंग में ले चलता हूँ। और गाइज यहाँ पर की मैपिंग में बात करें तो गाइज एक्स है यहाँ पर 2.85, ठीक है, यहाँ पर 2.85 है, और जो वाई है गाइज यहाँ पर 1.5 है, ठीक है 1.5। अब गाइज यार इसमें 1.5 कम है, वाई कम है, तो आपको ड्रैग ज़्यादा करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। और गाइज यहाँ पर ट्विक्स जो है लिटरली गाइज बहुत ही डिफरेंट है, ट्विक्स यहाँ पर 8000221002, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही लंबी ट्विक्स है, थोड़ी सी लॉन्ग फॉर्मेट की ट्विक्स है, और अलग ही मेरे को थोड़ी सी डिफरेंट लगी, क्योंकि ये अलग सबसे डिफरेंट ट्विक्स की अभी ये पहली वीडियो मेरी। तो अगर आप लोग कुछ डिफरेंट ट्विक्स यूज़ करते हो तो आप लोग अपनी ट्विक्स के साथ अपनी सेटिंग कमेंट कर सकते हो, तो ये बहुत डिफरेंट ट्विक्स लगी मेरे को अभी तक कि मैं जो ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो गाइस यार एमुलेटर की मैपिंग में इतना ही है, यहाँ पर बाकी सेटिंग तो यहाँ पर भाई ने दी नहीं हुई है। गाइस सेटिंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा यूनिक नहीं है सेटिंग में, बस एक ट्विक्स ही है, एक ट्विक्स ही थी जो बहुत डिफरेंट है। और बाकी गाइस एमुलेटर की सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ इधर, तो एमुलेटर में डिस्प्ले और रेजोल्यूशन जो है गाइस आपको इसमें रूट करने की ज़रूरत नहीं है अपने एमुलेटर को, अब क्योंकि रूट आपके लिए मतलब DPI आपकी DPI चेंज करने के लिए वर्क करता है, तो इसमें आपको नॉर्मल DPI बताइए भाई ने, जो DPI गाइस यहाँ पर 240 DPI है और रेजोल्यूशन 1280x720 है, तो आपको इसमें अपना एमुलेटर रूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो इस सेटिंग को विदाउट रूटेड वर्जन में। और बाकी गाइस यहाँ पर आपको माउस सेटिंग भी दी हुई है भाई ने, तो आप यहाँ पर आपको सर्च करना है माउस सेटिंग, और इधर जाना है एडिशनल माउस ऑप्शन पे, और गाइस इधर आपको पॉइंटर ऑप्शन दिखेगा, तो इसको गाइस आपको 6 पे रखने को बोला है भाई ने, ठीक है, इसको आपको 6 पे रखना है। और जो आपका इनहेंस पॉइंटर प्रेशन है इसको आपको अनचेक रखना है इस वीडियो के लिए, अगर आपने चेक किया हुआ है तो, अगर आप इस सेटिंग को ट्राई कर रहे हो। और गाइस यार ये सेटिंग पर्सनली वो बंदे ट्राई कर सकते हो जो गेम में ज़्यादा ड्रैग करते हो, अगर आपके पास मतलब आप अपने माउस को ज़्यादा ड्रैग करते हो तो आप इस सेटिंग को एब्सोल्युटली ट्राई कर सकते हो। मैंने अभी कुछ आगे आप देखोगे तो मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह डाली हुई हैं इस सेटिंग से रिलेटेड, तो आप उनको ज़रूर से देखना। और गाइस यार टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड भाई ने यहाँ पर भाई 2 पे रखने को बोला है, और एक्सलेशन यहाँ पर 0 पे रखने को बोला है, ठीक है, तो ये मैं बहुत पहले मैं ये ट्राई करता था एक्सलेशन वगैरह, इसमें आपको क्या होता है कि आपका माउस एक्सलेशन कम होता है, और ये भी काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है। सो ये सारी सेटिंग मैंने अप्लाई कर दी, अभी गेम को यहाँ पर ओपन करते हैं और देखते हैं क्या इसमें हेडशॉट वगैरह लगते हैं फिर नहीं। और यार जो लोग भी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो यार भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना, आप में से यार पता है 87% लोग जो मेरी वीडियोज़ को देखते हो बट आपने अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है, सो प्लीज़ भाई कर दो यार सब्सक्राइब, बहुत भाई
ठीक है, तो कर देना यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अभी चलते गए जहाँ पर अपना गेम स्टार्ट हो रहा है तब तक। और गाइस सब्सक्राइब करते हो यार तो प्लीज़ यार जो बेल आइकन है ना उसको भी ऑल पे सेट किया करो, ताकि जब भी मैं कुछ भी एमुलेटर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा मेरी वीडियोज़ का। और यार भाई मतलब कर देना बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर करना। और इस वीडियो में लाइक है मैं गाइस यहाँ पर 86 का 86 लाइक अगर आप लोग एक दिन के अंदर करते हो, इसमें विद इन वन डेज अगर आप 86 लाइक कर देते हो तो यार मैं मान जाऊंगा भाई आप लोग की मेरी ऑडियंस भी काफ़ी तगड़ी है, तो 86 लाइक कर देना। अभी चलते हैं हमें ट्रेनिंग ग्राउंड में। सो गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। और गाइज यार यहाँ पर मेरे ब्लूस्टिक 4 का साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब आप बैकग्राउंड में साउंड नहीं सुन पाओगे तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर लेना यार, साउंड यहाँ पर साउंड मतलब रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मूवमेंट स्पीड तो काफ़ी बढ़िया है, 2.85 है, तो मूवमेंट स्पीड तो काफ़ी मज़ार होने वाली है। बट गाइज मेरे लिए यार ये सेटिंग उतनी परफेक्ट नहीं बनी, क्योंकि यार मैं अपने गेम में ड्रैग मतलब कम करता हूँ। कम क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वॉइस सेंसिटिविटी को ज़्यादा रखता हूँ, इसलिए मैं अपने ड्रैग को कम करता हूँ ताकि मेरे इजीली हेडशॉट यहाँ पर लग जाते हैं। और यार ये सेटिंग वो लोग ट्राई करना जो लोग गेम में मतलब ज़्यादा ड्रैग करते हो अपने माउस को ज़्यादा ड्रैग करते हो ऊपर को, तो वो लोग इस सेटिंग को ट्राई करना। अभी मैं आपको वन टैप वगैरह दिखाता हूँ, इसमें वन टैप बहुत तगड़े लग रहे हैं, ठीक है, वन टैप, क्योंकि ऑफकोर्स यार मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया ऊपर को, तो वन टैप काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और मूवमेंट स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है। और गाइज ये मैं आपको दोबारा बोल दूँ, ये सेटिंग वही लोग ट्राई करना जो लोग अपने माउस को ज़्यादा ड्रैग करते हो ऊपर की ओर, और जो लोग यार मेरी तरह हो मतलब आप अपनी वॉइस सेंसिटिविटी को ज़्यादा रखते हो और माउस को ड्रैग कम करते हो, तो वो लोग यार थोड़े से उनके लिए थोड़ी सी सेटिंग थोड़ा सा मतलब अलग लगेगी, उनको थोड़ा सा उनके हेडशॉट नहीं लगेंगे। बट अगर ज़्यादा ड्रैग करते हो आप अपने माउस को तो बहुत तगड़े हेडशॉट लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड में बहुत तगड़े हेडशॉट भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हेडशॉट लग नहीं रहे, हेडशॉट लग रहे हैं, काफ़ी बड़े लग रहे हैं बैकग्राउंड में आप देख सकते हो। सो गाइज यार यही था इस वीडियो में, आप यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड में हेडशॉट वगैरह लग रहे हैं। अब आप इसको एक बार ट्राई करना, जो लोग ज़्यादा ड्रैग करते हो अपने गेम में वो लोग इस सेटिंग को जरूर से ट्राई कर सकते हो। और ट्विक्स मेरे को थोड़ी सी डिफरेंट लगी इसलिए मैंने इस सेटिंग को ट्राई किया। और गाइज आप लोग भी अपनी सेटिंग कॉमेंट कर देना, और अगर आपकी सेटिंग में यूनिक है, आपकी ट्विक्स डिफरेंट है, आपकी DPI डिफरेंट है, या फिर आपके हेडशॉट रेट कुछ ज़्यादा ही अच्छे खासे हैं, तो आप लोग अपनी सेटिंग कंप्लीट सेटिंग कमेंट कर सकते हो। अगली वीडियो में आपकी सेटिंग को जरूर से ट्राई करूंगा और एक शॉट आउट दूंगा आपको, तो आप अपनी सेटिंग कमेंट कर देना। सो गाइस यही था यार इस वीडियो में। और यार दोबारा बोल लूँ यार भाई वो यूट्यूबर के बारे में, मतलब 30-40 के सब्सक्राइबर है भाई, उसको शर्म आनी चाहिए यार, लिटरली भाई मेरा कॉन्टेंट यहाँ पर चोरी कर रहा है वो, तो भाई उसको शर्म आनी चाहिए भाई लिटरली, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भाई वरना थोड़ा सा भाई कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही कहना था गाइस। सो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर से करना, चैनल पर पहली बार आए हो भाई सब्सक्राइब करते जाना यार, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि जब भी मैं एमुलेटर PC रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरी वीडियोस का, तो भाई कर देना गाइस, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।